गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हान होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगी। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरी की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।